जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में नए सियासी संकेत उभरने लगे हैं। राजनीतिक गलियारे में चल रही अटकलों की माने तो जल्द रालोसपा का जदयू में विलय हो सकता है। इस चर्चा को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान से और भी बल मिला है। दोनों नेताओं की मुलाकात के सवाल पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दोनों नेता एक ही धारा के हैं, अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या हर्ज है। दरअसल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई रालोसपा अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में जुटी है। इसी क्रम में पिछले दिनों रालोसपा प्रमुख ने एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बता दें हाल ही में संपन्न हुई 17वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन 27 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी से सत्ताधारी दल के साथ ही रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी नाराजगी जताई। कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के आचरण को अशोभनीय बताया और उनकी टिप्पणी को अमर्यादित बता दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी घटनाओं में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े दिखेंगे। कुशवाहा के इसी बयान के बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। बहरहाल दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर रालोसपा अध्यक्ष जदयू का दामन थाम सकते हैं। ऐसा होने पर उपेंद्र कुशवाहा को संगठन या सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है।